अली भाई माशाल्लाह से खाना बहुत ही ज़बरदस्त बना था। हाँ। तो अब स्टार्ट करते हैं, कहाँ से शुरू करें? यहीं से शुरू करते हैं। ये चलें, आप ही सामने आई और आप ही बताते हैं थोड़ा समय। अच्छा चलें शुरू करें, कहाँ से स्टार्ट ले रहे हैं? ये है सर सूरजमुखी और अच्छा। ये हैं गिदरे। अच्छा गिदरे, ये आम है, ये गिदरों का फसल है। ठीक है। इधर सामने सरसों का फसल है। ठीक है। ये लहसुन है और ये हुरबो है और सरसों भी है, हुरबो भी है। अच्छा ये सारी। हाँ अभी ये सूरजमुखी है। अच्छा ज़मीनों के बारे में बताएं अपनी। अपनी ज़मीन तकरीबन 100-125 एकड़ है। अच्छा माशाल्लाह। और वो सभी भाइयों में बटी हुई है, साथ मिलकर काम करते हैं। इशारा करके बताएं कहाँ से कहाँ तक ज़मीन आपकी? यहाँ से लेके वो सामने जो रोड जा रहा है वो सामने। हाँ ये जो दरख्त है, दरख्त जा रहे हैं। ठीक है। ये नहर है। अच्छा नहर है, यहाँ से लेके वो दूर तक जो खड़े हैं दरख्त। ठीक है। ठीक, यहाँ से पूरी तरह। अब ये आम के दरख्त, ये घर हैं हमारे। ठीक है। और ये जो बड़े दरख्त हैं यहाँ पे सामने। और ये सामने, यहाँ से लेके अभी आगे भी है। ठीक है चल आगे चलें। और हाँ गन्ने की फसल भी जाके देखते हैं। हाँ गन्ने की फसल और भी बताते हैं। गन्ने की फसल अभी ये उग रही है, ये सामने गन्ने की। हाँ, काट दी है, उसके बाद ये उग रही है। अच्छा हाँ दोबारा फिर से माशाल्लाह से। हाँ दोबारा फिर से वो बड़े भाई के गन्ने के पास चले। हाँ ऐसे बस दिखाते हैं कुछ, थोड़ा सा साइड में थी। हले ये तो हो गया लहसुन। ठीक है लहसुन हो गया। यहाँ भी मैंने विजिट कर लिया। उनके अमी देखा चो चाय अब को बिठा रहा है घर, तू हल्या ना। ये सरसों है। चले ये सरसों अंदर जाके देखें एक दफा। अंदर वहाँ से चलते हैं। चल। दोनों तरफ चल जाएंगे। ठीक है। आज वहाँ से नीचे उतरेंगे ना तो गन्ने के पास भी चलेंगे और वहाँ पे गंदम भी है, गन्ना भी है और ये सरसों भी है। ये सारा सरसों लगा हुआ है। हाँ वो बच्चा सिंधी में बता नहीं पा रहा था, मैं इसको देख नहीं पा रहा सही था। अच्छा मैं भी टूटी फूटी उर्दू बोल रहा हूँ। चल अच्छी बोल लेते हैं हम। हाँ। अच्छा ये गंदम है। हाँ ये भी यूँ समझा हमारी है। अच्छा माशाल्लाह। और ये सरसों। ठीक है। और इसके बारे में, सरसों के बारे में मज़ीद और थोड़ा बताएं तो करीब आके। ये सरसों है। हाँ ठीक है। और ये मेथी है, इसके नीचे दिखाएँ हाथ लगा के। ये अच्छी मेथी है। हाँ और ये सरसों, मतलब दो फसल हैं इसमें। सही, इसी के साथ ही लगती है हमेशा। हाँ पहले ये सरसों का निकलेगा, उसके बाद ये तैयार हो जाएगा। ठीक है ये निकलेगा। चलिए ये गंदम है जी। हाँ ये गंदम है। ठीक। गन्ना भी आ गया है। हाँ ये सामने कुछ गन्ना अभी ये कट गया है। ठीक है। अच्छा हाँ ये फिर से उग रहा है, ये अभी कटे चल रही है। ये कब कटा है? लास्ट टाइम कब कटाई हुई है गन्ने की? ये ये लास्ट उग रही है, ये समझो कि ये 30 दिन हो गए होंगे इसको। अच्छा क्योंकि उसके बाद ये फिर से उग रही है। चलें आगे चल। अभी ये कटाई चल रही है। चल देखते हैं, वो भी कटाई भी देखते हैं आगे जाके। हाँ अभी वहाँ से, यहाँ से चलते हैं। अच्छा ये गन्ना है। ठीक है जी। हाँ अभी ये बाकी ये आगे बच्चा है, ये भी इंशाल्लाह आज कट जाएगा। है आज या कल तक कट जाएगा। तो अभी इस काबिल हो गया, ये कटाई के काबिल हो गया क्या? हाँ अच्छा चलें जी। नाज़रीन गन्ना भी देख लेते हैं। ये रत्ती है। ठीक है। ये गन्ना है। ये अभी कट रहा है, ये बड़ा भाई है मेरा, इसका है। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? तो ठीक है, आपके खैरियत से? ठीक है, आइए देखते हैं। और आप ठीक हैं? हाँ जी, चलिए। अच्छा जी, अभी ये गन्ना ये काट रहा है, ये इसकी बधाई शुरू हो रही है। ये देखो, अच्छा ये फाइनल हो गया यहाँ से? हाँ, यहाँ से फाइनल हो रहा है। अभी इसको ना बांध रहे हैं। अच्छा, हाँ। गाह वठी गाह सदाम खणी हलो घर, सदाम गाह खणी हलंदे न घर, भरी पाण सदाम खणी हलो। ये बड़े भाई का बेटा है, वो बड़ा बेटा है उसका। कैसा? ठीक है बेटा, ये बड़ा बेटा है। अच्छा माशाल्लाह, ये भी काम कर रहा है। खुद भी काम कर रहे हैं? खुद ही काम कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक हो? रियात कैसे बेटा? ठीक हो? ये इसका आखिरी बेटा है, छोटा बेटा। अच्छा माशाल्लाह से, हाँ सारा ख़ानदानी लगा हुआ है माशाल्लाह से। हाँ चले, कार एक ही है। सही, अच्छी बात है माशाल्लाह। तो ये नहीं काटा ये गन्ना? ये भी कट रहा है। अच्छा ये भी कट रहा है, हाँ। और ये मोहम्मद अशरफ रिंद, ये भी ज़मींदार भाई है हमारा। अच्छा माशा, अस्सलाम वालेकुम। इसकी ज़मीन भी से ऊपर है। शुक्रिया, चलो जी, अच्छी बात है माशा, सबसे मुलाकात हो गई। और वो भी सूरजमुखी है, वो भी समझो। आगे थोड़ा सा देखें, इधर से ऊपर, इधर से चल के देख लेते हैं। अच्छा ये सूरजमुखी है? हाँ ये सूरजमुखी है। ठीक, ये भी हमारा, इससे जो छोटा भाई है ना हमारा, अच्छा। उसकी ज़मीन है ये। सही माशाल्लाह। ठीक है माशाल्लाह। वो जहाँ से भैंसें चल रही हैं वो दरख्त हैं, ये यहाँ से वो आखिरी वो खम्बे तक जो है, खम्बे से भी आगे वो जो आगे दो घर बने हुए हैं बड़े बड़े, हाँ इनसे भी आगे है। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह। और इससे भी आगे है। अच्छा माशाल्लाह, वहाँ तक चलें, दूर है। चलें देखते हैं, वहाँ से वापस चलें, यहाँ पर इधर से चलें, कहाँ से चलना है? आपकी मर्ज़ी है, बोलो तो यहाँ से चलें, बोलो तो यहाँ से, जो जगह सही वहाँ से चले जाते। वो जो वो बैठक बनी, वो भी देख लेते हैं, बैठक बनी हुई। चलें आली भाई आगे चलें। हाँ माशाल्लाह, वही नहरी निज़ाम है आपका है पानी के लिए? हाँ ये नहरी निज़ाम है, ज़बरदस्त। ज़मीनों पर नहर आती है। ठीक है, ये पूरी नहर लेके आपको दिखाता हूँ, जो बड़ी नहर है वहाँ से पानी आता है। चलें वो भी देख लें, वहाँ पर बड़ी नहर में। अच्छा हाँ। ये किसकी बैठक है? ये बड़े भाई की है, ज़मीन पे बैठने की। ज़बरदस्त ज़बरदस्त, हाँ। और ये है बड़ी नहर। अच्छा ये अभी पानी इसमें कम है? पानी कम है इसमें, मैंने ये भरी होती है, मैं तो जब भी आया यहाँ पे बिल्कुल भरी रहती थी माशाल्लाह। हाँ अभी अब तभी तो सब्जियां नहीं उगा सकते ना। अच्छा हाँ, ये भी अभी आया है, बस आता है तो इतना ही आता है बस। अच्छा हाँ, अभी यही लिंक है, पूरी ज़मीनों को पानी यहाँ से ही जाता है। अच्छा ये पुल भी बनाई साथ छोटी? हाँ ये छोटी पुल बनाई। और ये किस लिए? ये है बंदोबस्त है ना, मशीन वगैरह रखते हैं ना यहाँ पे बांधने और खोलने के लिए यहाँ से। अच्छा ये बंद नुमा बना है? हाँ बंद, हाँ ठीक। बस यही है सब? यही है सर माशाल्लाह। अभी भी है पर अभी थक जाएंगे उधर। अच्छा माशाल्लाह से। अली भाई मुझे तो बड़ा है, मैंने एंजॉय किया माशाल्लाह से, बहुत मज़ा आया। तो जगह आपके वाकई बहुत अच्छी लगी है। अच्छा अली भाई ये बताएं, यहाँ की कुछ आपको कोई मसाइल जो हैं वो भी बताएं, तक हो सके ये आला हुकाम तक वीडियो जाए तो वो भी देखें, उनको कुछ थोड़ा सा एहसास हो जाओ। अल्लाह करे उनको भी एहसास हो। हाँ। बाकी हमारे साथ मसाइल है, लग नहीं रहा है। हाँ लग नहीं रहा है। अच्छा हाँ, क्या मसाइल क्या है आप ये भी बता दें। मसाइल ये है कि हमें ना स्कूल की भी ठीक है किल्लत है, और रोड रास्ते भी सही नहीं है। सही है। ऊपर से कोई करीबी कोई हॉस्पिटल नहीं है। अच्छा हॉस्पिटल कितने दूर है यहाँ से? हॉस्पिटल बहुत दूर है। अंदाजन तकरीबन 20-30 किलोमीटर तक दूर है। अच्छा। वो रास्ते भी मुश्किल हैं, तकरीबन मरीज़ को लेके जाते हैं हॉस्पिटल तक तो रास्ते में ही गुजर जाता है। हाँ लग रहा है, सही कह रहे हैं। उसका नसीब है कि वो जल्दी पहुंच जाता है, वो कुछ नसीब है तो बच जाए तो। हाँ वरना रास्ते में गुजर जाता है। और हमारे जो ये MP MN है सही है, ये भी वोट लेकर अपने घर सुख, और ये गैस वगैरह की भी तकलीफ़ है, इस हॉस्पिटल की भी तकलीफ़ है, रोड की भी तकलीफ़ है, स्कूल की भी तकलीफ़ है। अच्छा। प्राइमरी स्कूल भी नहीं है तो हाई स्कूल भी नहीं है, कुछ भी यानी कि मतलब कुछ भी नहीं। मतलब जो मेन चीज़ें हैं बेसिकली नहीं है। हाँ बेसिकली चीज़ वो जो है वो नहीं है। अच्छा। हाँ। और पानी के क्या इशू है? पानी भी तकरीबन जो ये सारियों का फसल आता है, चावल का फसल आता है, उसमें भी किल्लत से देते हैं, जाके देर से देते हैं, तब जाके देते हैं जब जो पोखी का टाइम होता है वो निकल जाता है उसके बाद। अच्छा। पहले हम मशीनें चलाते हैं, डीज़ल जलाते हैं, डीज़ल भी महंगा हो गया है, और उसके बाद जाके पानी 3-4 महीने चलता है, उसके बाद नहीं चलता। अच्छा। जो ये गंदम का टाइम आता है, अच्छा ये 3-4 महीने 5 महीने इनमें भी 10 दिन के बाद आता है, 15 दिन के बाद आता है। ठीक है। वो पटसट करके फसल को तैयार करते हैं। सही है। ज़बरदस्ती फसल को तैयार करते हैं, बाकी खुशी से पानी नहीं आता। अच्छा। हाँ। अच्छा मैंने देखा माशाल्लाह जगह बहुत खूबसूरत, मैं तो खैर आते रहता हूँ। हाँ। अब जैसे कि लोग कराची के लोग तो आपको पता है ऐसी जगहों के लिए बिल्कुल इनको ऐसे तड़पते हैं कि देखें ऐसी जगह में कोई डिस्कवर हो, ऐसी कोई जगह देखें। हाँ। अब यहाँ पे होटल का कोई इंतज़ाम ही नहीं है, तो वो कोई आनी चाहिए तो कैसे इनको कैसे आएँ वो लोग? वो ऐसे ही आएँ, एक दिन के लिए आएँ तो आएँ, होटल वगैरह नहीं है। अच्छा। यहाँ पे पूरा गाँव का निज़ाम है। अच्छा। हाँ बाकी शहर में रह सकते हैं, वहाँ पे है होटल वगैरह। हाँ शहर में रह सकते हैं, जो यहाँ से तकरीबन 30 किलोमीटर 35 किलोमीटर दूर है, जैसे मातली है, जैसे कड़ियो है। अच्छा। जैसे टन मोहम्मद खान, मतलब वहाँ होटल मिल जाते हैं, वहाँ पे होटल मिल जाते हैं। हाँ तो बाकी कोई और अगर आना चाह रहा है तो फिर आपको दूर थोड़ा 30-35 किलोमीटर दूर रहना पड़ेगा। हाँ होटल के हिसाब से, ठीक है होटल के हिसाब से। ठीक है। बाकी हम तो गाँव में रहने वाले हैं, हर मेहमान की खिदमत कर सकते हैं। बेशक करेंगे, वो हमारा फ़र्ज़ है। बेशक ये पुरखों से होके आ रहा है। हाँ बेशक सिंधी और पठान तो माशाल्लाह आगे ही रहे हमेशा से। बाकी उनको किल्लत ना हो, उनको दिक्कत ना हो तो हम यहाँ पे रात भी गुजार सकते हैं हमारे पास। अच्छा माशाल्लाह। हाँ, रह सकते हैं। चलें, टाइम देने बहुत शुक्रिया अली भाई, थैंक यू। थैंक यू, मज़ा आया आपके साथ। खुश रहना।